झरझर झरती बूंदें, ये उड़ता हुआ फवारा, ज्यों कलकल करती नदियां, लुटा रही हूं मोतियों का पिटारा। यूं तो झारखंड का कोना कोना ऐसे झरनों से भरा पड़ा है, किंतु राजधानी रांची के निकट एक ही मार्ग पर स्थित तीन झरनों के सौंदर्य की तो बात ही निराली है, जो बनाती है एक अनूठी निर्झर त्रिवेणी। राजधानी रांची से मूरी सिल्ली के मार्ग पर निकलते ही सबसे पहले हमें मिलती है स्वर्णरेखा नदी, जो इस स्थान से महज 20-25 किलोमीटर दूर नगड़ी नामक स्थान से निकलती है और मार्ग पर लगभग 32 किलोमीटर चलकर झारखंड के दूसरे सबसे बड़े जलप्रपात में तब्दील हो जाती है। रांची से पुरुलिया जाने वाले इस मार्ग में लगभग 25 किलोमीटर चलने पर अनगड़ा प्रखंड मिलता है। यहां पर्यटन विभाग का मार्ग निर्देश भी लगा मिलेगा। यहीं से आपको माई ओर मुड़ना है। राज्य सरकार की ये सड़क ही आपको महेशपुर तथा गेतल सूद होते हुए हुनरू जलप्रपात तक ले जाएगी, जिस पर आपको 21 किलोमीटर चलना होगा। इस मार्ग पर चलते हुए झारखंड का ग्रामीण परिवेश तो आकर्षित करता ही है, गेतल सूद जलाशय का विस्तृत फैलाव भी सहज ही ध्यान खींच लेता है। आगे आपको जंगल और घाटी की खूबसूरती भी अवश्य लुभाएगी। इन सब से मुग्ध होते हुए आप एक गांव पार करेंगे। ये हुनरू गांव है। जिसके ही नाम पर इस जलप्रपात को हुनरू जलप्रपात कहा जाता है। ये इस जलप्रपात का ऊपरी भाग है। यदि आप अपनी गाड़ी से हैं तो आपको गाड़ी यहीं छोड़नी पड़ेगी। और हाँ, पर्यटन विभाग को प्रति व्यक्ति एक निर्धारित राशि तथा पार्किंग शुल्क देना न भूलें। यह इस स्थान की व्यवस्था को सुंदर बनाए रखने और स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने के लिए आपका अमूल्य योगदान भी तो है। अभी हमारे साथ हुनरू फॉल के प्रभारी मौजूद हैं। सर, यहाँ पर किस तरीके की जो गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? यहाँ तो व्यवस्थाएं हम लोग अभी अपने स्तर से जो सारा जो व्यवस्था है कर चुके हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर्यटक जो आ रहे हैं इंडिकेट कर रहे हैं खतरे वाली जगहों पर न जाएं, उनके लिए भी हम लोग लाल झंडा और पत्थर पर लिखवा दिया गया है। उसके आगे पर्यटक जाएंगे तो अपना वो अपना समझेंगे। यहाँ पर्यटकों को खासकर उतावला नहीं होना चाहिए। यहाँ जो फिसलन वाली चट्टान में चढ़कर सेल्फी ना लें, और जो जहाँ भी खतरे का निशान है, जैसे मंगतुमारा है, जोगिया दो है, आपका भंडार दो है, साहेब चिपुआ है, सोना डुबुआ है, ये सब खतरनाक जगह हैं। यहाँ जाने के बाद पर्यटक बचते नहीं हैं। इसके लिए हम लोगों नीचे भी पर्यटक मित्र तैनात हैं, जो लाइफ जैकेट और आपका लाइफ बॉय लेकर तैयार हैं। कोशिश करते हैं हम लोगों की दुर्घटनाएं ना हो। इस ऊपरी भाग में ही आपको खाने पीने की सभी जरूरी वस्तुएं मिल जाएंगी। अगर आपने भोजन की अपनी व्यवस्था नहीं की है तथा अगले कुछ घंटे में खाने का समय होने ही वाला हो तो यहाँ आप खाना तैयार करने का आदेश देना नहीं भूलें। हाँ, अब कमर कस लें तथा अपने साथ पानी आदि अवश्य रख लें, क्योंकि अब आपको लगातार 750 सीढ़ियां उतरनी हैं।
हालांकि पर्यटन के मौसम में जगह जगह पर आपको नींबू पानी तथा चाय की सुविधा मिल जाएगी, परंतु बाकी के दिनों में इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए आपको पानी आदि की आवश्यकता पड़ सकती है। वस्तुतः इस जलप्रपात पर आने का आदर्श समय अक्टूबर से फरवरी माना जाता है, लेकिन यदि आप जोखिम के शौकीन हैं और तकनीकी रूप से दक्ष हैं तो आपको इस जलप्रपात का विकराल रूप अगस्त माह में दिखलाई देगा। तो लीजिए, हम अंततः झरने के नीचे आ ही पहुंचे। ये है 98 मीटर से गिरने वाला झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा झरना, जो स्वर्णरेखा नदी से गिरता है। कहते हैं जब स्वर्ण रेखा नदी पर गेतल सूद बांध नहीं बना था, तब बरसात के दिनों में झरने का संगीत गेतल सूद तक सुनाई देता था और पानी की फुहार भी कई मील पहले से उड़कर पड़ने लगती थी, लेकिन तब यहां तक पहुंच पाना लगभग असंभव हुआ करता था। आप यहाँ पहली बार आई हैं मीना जी? जी हम तो पहली बार आए हैं। यहाँ पर क्या सबसे ज़्यादा आपको पसंद आया? कि सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, प्राकृतिक का ये सब देख के ही मतलब अच्छा लग रहा है। कहाँ से आई हैं आप? वेस्ट बंगाल हावड़ा से। अच्छा, तो यहाँ पहली बार आई हैं? हाँ पहली बार आई हूँ। कहीं सुना था इस जगह के बारे में? हाँ यूट्यूब पे देखा था, मैंने हमारे जगह से बहुत लोग आती है, कहा था इसके बारे में तो सुन के आया है। क्या सबसे अच्छा लगा आपको यहाँ पे घूमने के बाद? अच्छा लगा, झरना देख के बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। अच्छा, ये आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा क्या पसंद आया घूमने में? अब सब कुछ। सब कुछ अच्छा लगा जो आपने घूमा, सब कुछ देखा, तो क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? हमको यहाँ पे जो झरना का आवाज़ आता है वो अच्छा लगा। झरना का आवाज़ बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो व्यवस्था है सारी वो कैसी लगी? वो बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। जो दूसरे बच्चे हैं जिन्हें यहाँ आने का मन कर रहा है, उनसे क्या कहोगी? उनसे कहेंगे कि आप लोग भी जल्दी आइए और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। आहा, इस झरने की खूबसूरती के क्या कहने हैं। यहाँ पानी गिरने से एक गहरा ताल भी बन गया है, इसमें उतरना खतरनाक है, इसलिए यहाँ पर्यटक मित्र सदैव तैनात रहते हैं। सामने की पहाड़ी पर आपको विद्युत विभाग की पनबिजली परियोजना का निर्माण दिखलाई देता है। वो सिकिदरी गांव का क्षेत्र है। हुंडरू जलप्रपात आने के लिए ओरमांझी और सिकिदरी के रास्ते का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब अगर झरने की खूबसूरती को निहारने और उसके संगीत में खो जाने से आपको संतोष मिल गया हो तो कुछ खास चीजें आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। दरअसल इन जंगलों में कुछ खास वृक्ष प्रजातियां मिलती हैं जिन्हें स्थानीय लोग कोरैया तथा डोका कहते हैं। इनकी मुलायम लकड़ियों को खराद कर यहाँ के ग्रामीण काष्ठ शिल्पकार अनूठे खिलौने बनाते हैं। इनसे कुछ न कुछ खरीदना, इन्हें सहयोग देने के साथ साथ इस मनोरम जलप्रपात की स्मृतियों को अपने साथ ले जाने के लिए भी आवश्यक है। हुंडरू जलप्रपात की एक विशेषता ये भी है कि इसके ऊपरी भाग की खूबसूरती का दर्शन भी सहजता से किया जा सकता है। यहाँ एडवेंचर टूरिज्म की भी सुविधा दी गई है।
एक्सपर्ट से ही जानते हैं इस एडवेंचर पार्क के बारे में। आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं पवन कुमार भोक्ता, मैं यहाँ एडवेंचर पार्क का वर्कर हूँ। जैसे मान लीजिए अगर कोई पर्यटक है जिसे ज़िपलाइन की सुविधा चाहिए, तो वो किस तरीके से, क्या प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है? सबसे पहले वो मेन गेट पे आते हैं और टिकट जो है ज़िपलाइन का दो है, एक LRC है और एक ज़िपलाइन है, तो दोनों में टिकट ज़िपलाइन का सुविधा के लिए 300 रुपया किया गया है इसका टिकट चार्ज, और LRC के लिए बच्चों का है जो वो 20 रुपया किया गया है। अच्छा, और क्या कुछ सावधानी भी बरतने की ज़रूरत होती है यहाँ पर? हाँ, सावधानी हम लोग जो जाता है ये रोप में, उसको हम लोग सावधानी बरतने बोलते हैं कि आपको रोप पे हाथ नहीं लगाना है, पैर आपको हमेशा मुड़े रहना है, ये रखना है। और उन्हें किस मतलब कुछ हेलमेट वेलमेट भी दिया जाता है? कुछ लाइफ वेस्ट? हाँ, वो हेलमेट इसलिए दिया जाता है कि कहीं सर पे वो रोप ना आ जाए, इस चलते उसको दिया जाता है। ये जो लाइन है इसमें एक बार में कितने टूरिस्ट जा सकते हैं या फिर आना जाना कर सकते हैं? एक बार में एक ही जा सकते हैं, एक इधर से वहाँ लैंड किया उसके बाद फिर दूसरा को हम लोग छोड़ते हैं। मैं यहाँ पे आया हूँ अपने एडवेंचर्स को लाइक लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ज़िप राइड करके? बहुत ही अच्छा था। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आप एक राइड ले सकते हैं, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, आपको बहुत मज़ा आएगा और आप नीचे के व्यू भी देख सकते हैं इसके थ्रू। हाँ, आपको कुछ ऐसे खतरा भी लगा कि कुछ सावधानी बरतने की भी ज़रूरत थी? सावधानी तो देखिए लाइक आई मीन यू कैन से लाइक प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो सावधानी जितनी इन्होंने प्रोवाइड की है उतना तो काफ़ी है। मेरा नाम अनीफ है, मैं 13 ईयर ओल्ड की हूँ। तो यहाँ पहली बार हुंडरू फॉल आई हो तुम? हाँ। कैसा लगा यहाँ पर और ये जो एडवेंचर राइड किया उस बारे में कुछ बताइए। मज़ा आया, अच्छा था। जो यहाँ पर आ रहे हैं और जिनको अगर थोड़ा सा खतरा लग रहा है या डर लग रहा है, उनसे क्या कहना चाहोगी? बिल्कुल डर नहीं लगता है। और यहाँ पर अभी सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा तुम्हें? फॉल। हुंडरू की मनमोहक यादों से प्रफुल्लित मन लिए एक बार फिर अनगड़ा तथा उसी रास्ते पर वापस लौटें, बाएं मुड़कर चलें पुनः मूरी की ओर। तकरीबन 14 किलोमीटर चलने के बाद हमें ये मार्गदर्शक पट्टिका मिलती है। दाहिने मुड़ने वाला यह मार्ग हमें दो दो नयनाभिराम झरनों तक पहुंचाएगा। जंगल और गांव के मोहक दृश्य देखते हुए एक रेलवे लाइन तक आ पहुंचते हैं। इसे पार करते ही हम आ गए हैं गौतम धारा, एक और जलप्रपात के निकट। कहते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार क्रम में महात्मा बुद्ध ने यहां भी कुछ समय बिताया था, इसलिए इस जलप्रपात का नाम रखा गया गौतम धारा। वैसे इसका दूसरा प्रचलित नाम जोन्हा जलप्रपात भी है, जो इसके निकट स्थित जोन्हा गांव के कारण पड़ा है। पहुंच पथ आसान होने के कारण यहां पर्यटकों का आगमन काफी अधिक होता है। लगभग 150 फीट ऊंचे इस झरने की सबसे खूबसूरत बात है इसकी धारा का कई भागों में बट कर गिरना। और फिर सामने दृश्य विस्तार लिए हरे भरे जंगल और पहाड़ में इसकी नदी का इठलाते हुए गुम हो जाना। हालांकि झरने की ऊंचाई ज्यादा नहीं है, लेकिन झरने का संपूर्ण दर्शन करने के लिए
आपको काफी सीढ़ियां उतरनी पड़ेंगी। अलग बात है कि उतरते हुए आसपास और झरने की यहां वहां से मिलती झलक आपको थकान का अनुभव नहीं होने देती। बीच में ही आपको दूसरी ओर से एक और नदी आकर मिलती हुई दिखती है। ये राढ़ू नदी है। दरअसल यहां के प्रसिद्ध पैना पहाड़ से कई नाले बहते हैं जो मिलकर पहाड़ी नदी का रूप ले लेते हैं। इसी पहाड़ से निकलने वाले गंगा नाला से बहने वाली पहाड़ी नदी जब गिरती है तो गौतम धारा बन जाती है। इसी धारा में नीचे आकर राढ़ू नदी मिल जाती है। यह सब मिलकर एक अद्भुत दृश्य का निर्माण करते हैं। यहां आप घंटों बैठ जाएं तब भी मन उकताता नहीं है। सबसे ज्यादा यहाँ पर फॉल्स जगह लोग सब ठीक ही था, सब अच्छा जगह भी था। यहाँ पर हम लोग खेले, वहाँ पर हम लोग पानी में गए, हम लोग सब मज़े किए। मैं यहाँ इस जूना फॉल में मैं दूसरी बार आई हूँ। यहाँ हर चीज़ खूब अच्छी है, बहुत अच्छी है, पेड़ पौधे सब अच्छे हैं। यहाँ के पानी भी बहुत अच्छा है। एक दिक्कत है बस, ये देश हमारा है, हमें ही साफ़ करना चाहिए, जागरूक हमें ही होना चाहिए। यहाँ साफ़ सफाई की कमी है, जो कि गलती ऑफकोर्स हमारी ही है, हमें ही साफ़ करना चाहिए। बाकी ये फॉल सारे फॉल जैसा ही है, बट यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है एंड मुझे यहाँ बहुत मज़ा आया। पहले मैं आज से 10 साल पहले आया था और आज मैं 10 साल के बाद आ रहा हूँ। बहुत सारे चेंजेस हो गए, काफ़ी एक नया, मैंने पेपर में भी पढ़ा था, एक रोपवे भी बनाया गया जो पर्यटकों के लिए बहुत अच्छा है, एडवेंचरस के लिए बहुत सारा, जो पहले नहीं हुआ करता था। इसको देख कर आज पर्यटक भी बहुत ज़्यादा आने लगे हैं यहाँ पर। सबसे अच्छा देखने की बात यहाँ है, यहाँ के शिल्पकारों का जो लकड़ी से और बांस से बने हुए सामान को बेचते हैं, और हम लोग क्या सबको हम लोग चाहेंगे कि उनकी कलाओं को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही मेहनत करते हैं। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर घूमने आई थी जूना फॉल। कंपैरिजन किया जाए तो हुंडरू फॉल इससे ज़्यादा बेटर है, बट अच्छा है, ये भी जगह सही है, बट थोड़ा सा इन लोग जितने लोग आते थोड़ा लाइक गार्बेजेस ज़्यादा है यहाँ पर, बाकी ओवरऑल अच्छा है, घूमने के लिए सही जगह है। 3 बजे से लेकर 4 बजे से बंगाल से आए हुए पर्यटक यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम के लिए तंग तंग करते हैं। उसमें भी हम लोग सवेरे उठ के आके इतना ठंडी में काम करते हैं, काम करके उन लोग का व्यवस्था करते हैं, जनरेटर चलाते हैं और डूबने में बचाते हैं। जोखिम 2 में डूब जाता है उसको भी उठाते हैं, डूबने नहीं देते हैं, मरने नहीं देते हैं। इतना तक काम करते हुए साफ सफाई से लेकर सारा चीज़ को, भीड़ को देखते हुए हम लोग इस पर्यटक स्थल में, किसी को खराबे हो गया गाड़ी ऑटोमेटिक तो उसके लिए हम लोग वहीं पर रात भर बिता देते हैं, ये भी काम करते हैं। यदि वन भोज के विचार से आए हों तो मनपसंद झारखंडी भोजन के साथ यहाँ कई ग्रामीण आपको स्वागत करते मिलेंगे। गौतम धारा से महज 1 किलोमीटर पीछे लौटें तो आपको एक रास्ता दाहिनी ओर मुड़ता मिलता है। यहाँ मशाल लिए भगवान बिरसा की मूर्ति के साथ मार्ग निर्देश भी लगा है, जो इस यात्रा के तीसरे जलप्रपात की दूरी बतलाता है, 5 किलोमीटर। कुछ फरलांग चलते ही रास्ते की खूबसूरती आपको मोहित कर देती है। मनमोहक सरपीली घाटी, दोनों ओर साल के सुंदर जंगल और दूर में तनकर खड़े हरे भरे पहाड़। 5 किलोमीटर की ये दूरी शीघ्र ही तय हो जाती है।
एकदम से प्रकृति की गोद में गिरता सीता जलप्रपात आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। इस झरने के बारे में पर्यटन विभाग के प्रभारी श्री सोहन बेक बताते हैं। सीताफल है कि आप ये देख रहे हैं रोड जो बना है, चाहे ये सीताफल नाम पड़ा है, जो आप यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे सर तो एक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, जो सीता जी का एक पैर का निशान है उसमें, जो प्राचीन मंदिर है, जो पहले बताते हैं बुजुर्ग लोग के बना हुआ है, एक रात का बना हुआ है, कुआं भी था बना हुआ, तो थोड़ा सा प्लेन है लेकिन उसका रूपरेखा है अभी भी सर। और मंदिर है, मंदिर में चारों साइड से और तीन साइड से वो खुला है, एक साइड से बंद है, और उसमें जो बीच में पत्थर है उसमें सीता जी का, बताते हैं कि सीता वनवास के समय में आए थे तो उसमें उसका चलने समय यहाँ पैर रखे तो उसका चिन्ह पहचान हो गया और उसी के नाम से ये सीताफल नाम पड़ा सर। तो चलते हैं मात्र 250 सीढ़ियां उतरकर सीता झरना का मनोरम दृश्य देखने। फीट की ऊंचाई से झरता पानी लुका छिपी खेलता हुआ प्रतीत होता है। यहां कोई शोर शराबा नहीं है। खाने पीने और बेचने खरीदने की कोई गुंजाइश नहीं है। बस सुंदर सी प्रकृति, अविरल बहता झरना और आप। चाहे तो घंटों इस झरने का संगीत सुने। पहले के दोनों झरनों की तरह पर्यटक मित्र यहां भी मिलेंगे, जो आपको बताएंगे कि यहां से निकलने का समय हो गया है। अभी हमारे साथ सीता फॉल के पर्यटन मित्र मौजूद है, आइए इन्हीं से जानते हैं यहां की व्यवस्था के बारे में। और नीचे पानी के बचाव हम लोग पर्यटक मित्र ही करते हैं, यहां रहते हैं। भीड़ भड़ा का क्षेत्र में एक आदमी या दो आदमी रहते हैं, वहीं पे किसी प्रकार का आज तक कोई घटना नहीं घटी है। अब सवाल रहा कि आखिर इस खूबसूरत से झरने का नाम सीता फॉल्स या सीता झरना ही क्यों पड़ा? तो चलिए इसका जवाब ढूंढने के लिए 1 किलोमीटर पीछे चलते हैं। रास्ते के किनारे ही लेकिन जंगल में छिपा यह छोटा सा मंदिर, इसमें ही है इस सवाल का जवाब। मंदिर के गर्भ में माता सीता के चरणों का निशान बना हुआ है। पास में ही एक प्राचीन कुआं की निशानी भी दिखती है। मान्यता है कि माता सीता यहां आई थीं और उनके चरणों का चिन्ह इस स्थान पर पड़ा, जो बाद में पत्थर का हो गया। इस स्थान से भी आपको सीता जलप्रपात की ध्वनि साफ साफ सुनाई देगी। क्या देखा यहाँ पे घूमने के बाद, क्या कुछ अच्छा लगा? मतलब पता ही नहीं था कि हम लोग रांची में भी इतनी अच्छी अच्छी जगह है। काफ़ी अच्छा लगा, बहुत मस्ती किए विद फैमिली, हम लोग आए हैं बच्चे लोग के साथ में, बहुत ही अच्छी जगह है एकदम। हाँ, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, मैं जोना फॉल गई हूँ, सीताफॉल फर्स्ट टाइम। सेफ्टी पर्पज से ये बहुत ही मस्त है ये फॉल, क्योंकि फॉल का जो मज़ा लेना हो नज़दीक से हम लोग ले सकते हैं इसमें, और दूसरे फॉल में ऐसी नहीं है। हम लोग सिंदरी से आए हुए हैं, पहली बार फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर, और यहाँ साफ़ सफाई अच्छा है, घूमने फिरने के लिए भी अच्छा है, और फिर यहाँ पर सीता माता का मंदिर भी है, इसीलिए इसका नाम, इस जगह का नाम सीता फॉल रखा गया है। इन पंछियों की तरह हम प्रतिदिन अपने नीड को लौटते हैं, दिन भर के श्रम, प्राप्ति और थकान के साथ। लेकिन इस निर्झर त्रिवेणी के दर्शन के बाद लौटते हुए मन में अपरिमित ऊर्जा का संचार झरने की तरह बहता अनुभव होता है, और दिल से आवाज आती है कि हम लौटेंगे तेरे दर पर बार बार, कि तेरी चाहत ने रहने न दिया मेरे दिल पर मेरा अख्तियार।